को जो आप लोग के साथ घटना हुआ उसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ। 16 तारीख के सुबह को मैं बीरू दूध लाने गया था, तो जब मैं दूध ला के लौटा तो कुछ लोग बहुत ही संख्या में मेरे गांव के निकट पहुंचे हुए थे। जैसे मैंने गाड़ी खड़ा किया उसके बाद में वे लोग हमारे प्रांगण में प्रवेश कर लिया और बोला कि तुम लोग गोकसी करता है, जबकि हम लोग गोकसी नहीं किए थे, तो आप लोग के पास क्या सबूत है, बोले। हम ही वैसे बोले। उसके बाद में वो लोग मोबाइल से, एक मतवार आदमी था उसका वीडियो बनाया था और उसे पूछा गया था या उसको बुलवाया गया था तो नहीं पता, लेकिन जब वो लड़का को हम पूछे तो लोग हमको ऐसे ऐसे बोलने बोला था और हम ऐसे ऐसे बोले। वही वीडियो को लोग दूसरा गांव में भेज दिया और वो लोग को बताया कि ये लोग ऐसे ऐसे गोकसी करता है, तो वे लोग भी आक्रोशित हो गए कि भाई वो लोग ऐसा क्यों करता है। तो वो लोग भी गुस्सा गए और वही गुस्सा से वो लोग रात में मीटिंग किए थे। मीटिंग करने के बाद में वो लोग सुबह अचानक आए और यहाँ पे हमला कर दिए। आने के बाद में सबको बहुत ज्यादा मारा पीटा, गाली गलौज दिया, जूता और लातों से मारा, डंडा से भी मारा और गंदा गंदा गाली भी बक रहा था। कोल कुकुर खड़िया साल आदिवासी लोग, तुम लोग ऐसे नीच कार्य करते हो, बहुत सारे गलत गलत शब्दों का वे लोग इस्तेमाल कर रहे थे। मारने पीटने के बाद में हम लोग का नीचे बस्ती पड़ता है कुम्हार टोली, वहां ले गए और वहां पे भी मारा। उसके बाद में बैठा के सबका बाल को छीलने लगा। सबका बाल को छीलने के बाद में हम लोग को पूरा भिड़ी कुदर मोजा घुमाया, घुमाने के क्रम में जूता चप्पल का माला तैयार किया और सभी के गले में उस माला को वो लोग पहनाया। पहनाने के बाद में और घुमाया उधर, आगे तरफ बस्ते उधर ले गए, फिर उधर भी सबको नारा लगा रहे थे, तुम गाय को काटोगे तो हम तुमको काटेंगे, इसे नारा लगा रहे थे और जय श्री राम का भी वे लोग नारा लगा रहे थे। सभी को जय श्री राम नारा लगाने के लिए बोला। जब मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो उन्होंने मुझे थेथर डंडा से मारा था। और घुमाने के बाद में यहाँ बगीचा लाया गया जो भिड़ी कुदर में पड़ता है, वहां लाने के बाद में हम लोग को सभी को घेर के रखा था। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस भी थोड़ा देर से पहुंची। उसके बाद में घटना का वे जायजा लिया। जायजा लेने के बाद में पुलिस हम लोग का घर भी आए थे चेक करने के लिए। चेक करने के दौरान उन्हें कोई ऐसा वस्तु नहीं मिला जो वो लोग पुलिस को बताया था। उसके बाद में हम लोग को प्रशासन के हाथ में सौंप दिया और बस इतना ही। प्रशासन उसके बाद आप लोग को थाना ले गई थी? जी हाँ, थाना। फिर थाना में क्या हुआ? थाना में इसे पूछताछ किया, फिर बोला कि अगर वैसे कोई बात नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसे बोले वे लोग। फिर आप लोग को छोड़ दिया गया? जी हाँ। और पुलिस को बुला के क्या बोला पुलिस को? पुलिस को वो लोग बुलाया तो वो लोग बोला कि ये लोग जो है तस्करी करते हैं और प्लस है कि रंगदारी करते हैं, धर्म के विषय में भी बता रहे थे, तो वैसे में ऐसे बोल दिया कि अभी तस्करी हम लोग करते हुए पकड़े हैं। अच्छा, इस टाइप से? हाँ, इस टाइप से। तो प्रशासन को जब फोन किया तो वो लोग सही में सोचा कि तस्करी करके पकड़ा है, तो पूरा फोर्स लेके पहुंच गया। और यहाँ तो दूसरे मैटर था, यहाँ जब आया पुलिस तो पुलिस जब हम लोग को अपना हैंड में लिया तो प्रशासन भी पहले बेवकूफ थोड़ी ना है, वो भी आया घर को चेक किया कि सही है कि गलत है, तो घर को चेक किया तो जब करेगा तब ना रहेगा, जब करेगा ही नहीं तो बेकसूर का किसी को फंसाएगा, मारेगा, बाल मुड़ा के घुमाएगा, तो ये गलत बात है, इनलीगल है। बिल्कुल है ना। तो वो तो इल्जाम जानबूझ के डाला, अब जानबूझ के इल्जाम डाला और ऐसा ऐसा हम लोग के साथ किया। यदि आप हिंदू हैं और हम आपको बोलेंगे कि तुम यीशु मसीह का ये करो तो आप कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मर जाएंगे, मर नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। तो किसी को इनलीगल, अब मतलब क्रिश्चियन है, हमको बोलेगा जय श्री राम बोलो तो हम नहीं बोलेंगे, तो उसी में अत्याचार करना ये गुनाह है ना। जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरा यहाँ से लेकर के जितना दूर उधर आगे तक ले गया था वहाँ तक जय श्री राम का नारा लगा रहा था। उसके बाद गिरजा टोली बोलते हैं उसे आगे पहुंचे, उस समय जय श्री राम का नारा ये लोग को लगवा रहा था। जब ये लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा था उस समय ये लोग को थेथर का डंडा से मार रहा था गाली देते हुए। उसके बाद वहां से फिर बगीचा में लेके आया, उसके बाद सबको बैठाया, फिर भी घेर के रखा था इन लोगों को, उन्होंने घेर के रखा था और जैसे पानी भी लेके गए थे तो पानी को भी पीने भी नहीं दे रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा हम इसमें जानना चाहेंगे कि जब वो लोग इतनी की संख्या में आए थे, क्योंकि आपका गांव का लोग नहीं जुटा था यहाँ क्या? नहीं, पहले तो नहीं आया था, हम लोग खुद ही नहीं जान रहे थे कि वो लोग काहे किस लिए इसे आया,
उस समय तो हम लोग घर पर थे, सबको हम लोग घर ही पर थे। तो एक बहन आई थी प्रार्थना के लिए, तो उसका प्रार्थना किए, उसके बाद दीदी को चाय बनाए, वो चाय पी के चली गई थी। फिर हम लोग बैठे थे आंगन ही में, बैठे हुए थे ही हम तो अंदर आए हुए थे, तो एक एक आदमी करके ढेर सारा लोग आ गए, चारों तरफ से लोग घेर दिया। घेरने के बाद इनसे नाम पूछ रहे थे इनसे। उसके बाद फिर हम घर घुसे, उसके बाद जब बाहर निकले तब तक के तो मार इन लोगों को मार रहे थे, और मारते मारते इधर घसीटते हुए इधर लेके आ गए। तो आप लोग एक तरह से कहे कि काफी डर गए थे। हाँ, आप लोग प्रतिकार नहीं किए? नहीं, यहाँ कोई भी आए थे, बहुत सा लोग थे, पर क्या हो रहा कुछ भी नहीं जान रहे हैं, और पूछ रहे क्या काहे आप लोग मार रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर बोल रहा है। हथियार वगैरह भी लिए हुए थे क्या लोग? हथियार तो नहीं देखे, पर हाँ वो लोग लात से घुसा से बहुत मार रहे थे। हाथ में लाठी डंडा भी था? डंटा हाँ, एक कुदाली का डंटा पकड़ा था। अच्छा। हाँ, उसी से इनको मारा था। हाँ, फिर बाद में सब आदमी आने के बाद भी एक दो जन आगे आना चाहा, लेकिन उन लोग को भी डरा दिया, धमका दिया, तो फिर वो लोग भी नहीं आया। लेकिन अब इतना मार रहे थे तो हम घुस गए बचाने के लिए। मतलब एक तरह से यहाँ के गांव वाले खौफ जदा है, भयभीत है। हाँ, ऐसे यहाँ कभी ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है ना, और ऐसे एक बाइक ऐसे हो गया, और सबको इतना ज्यादा बोल रहे थे ना वो लोग, और सब डर गए, गाली भी मालूम बहुत ज्यादा दे रहा ऐसा गाली तो गाली से बात कर रहा था, नहीं निकलता है, मगर वो लोग बहुत खराब खराब गाली और जो भी आएगा उसको भी काट देंगे, मर्डर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो लोग डर से नहीं आया। हम शुरू से उन लोग को बोल रहे थे आप लोग प्रशासन को बुलाइए, काहे आप लोग मार रहे हैं, आप लोग प्रशासन को बुलाइए पहले, आप लोग मार कहे ले रहे हैं। वो तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग जो कुछ है हम ही लोग हैं, आपका पति को तो मर्डर करने का ऑर्डर मिला है, इससे बोल रहा था, आपका पति को मर्डर करने का ऑर्डर मिला है लेकिन छोड़ दे रहे हैं, इससे बोल रहा। आप लोग पूछे नहीं कौन मर्डर करने का ऑर्डर दिया है? तो वो लोग श्रीकांत प्रसाद दिन क्या है नहीं जान रहे, श्रीकांत और तुलसी को बोला। अच्छा, तुलसी साहू, श्रीकांत प्रसाद, ये दो नाम लिया? हाँ, यही नाम ले रहा था वो लोग, वही लोग बोला है, वो लोग हम लोग से बड़ा है तो वही लोग भेजा है, इससे बोला। अच्छा, मतलब उसका संगठन का बड़ा नेता है वो लोग? वैसे ही बोला वो लोग, वो लोग का कहना वैसे ही था, हम लोग तो नहीं जान रहे थे लेकिन वो लोग खुद अपना मुँह से बोला, वही लोग भेजा, श्रीकांत प्रसाद, तुलसी साहू। ये पूरे घटनाक्रम एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इसको अगर हम घटना कहें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये साजिश के तहत किया गया अंजाम है, इसलिए मेरा पहला शब्द है इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और जो भी इस घटना में शामिल थे, इस साजिश में शामिल थे, उन सारे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे, सबकी गिरफ्तारी हो, और जो इस क्षेत्र में अमन चैन है, जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र में, जो भाईचारा है उसे खत्म करना चाहते हैं, और ये कुछ संगठन के लोग हैं, इसलिए इनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, और हम पुलिस से आपके माध्यम से बात मांग करना चाहेंगे, ये बात कहना चाहेंगे कि अविलंब पुलिस कार्रवाई करे, अन्यथा हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हाथ धरे हम भी चुपचाप नहीं रहेंगे। ऐसे भी सूचना है कि अन्य गांव में भी जाकर ये लोग घरों में घुस करके जबरन बर्तन वगैरह चेक करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, और ये दूसरे गांव में भी ये सूचना मिली है, बीरू क्षेत्र के ही दूसरे गांव, जैसे साको बांध हुआ उधर, हरिन धरा तरफ भी इनका इस तरह का हरकत का बात सामने आया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साजिश इनका है, और आने वाला दिन में अगर इन पर कार्रवाई नहीं हो तो ये बड़े कोई सांप्रदायिक घटना को अंजाम दे सकते हैं।